हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटर स्कूल ऑनलाइन लाइव क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे लेसन नंबर 9, जनरल पार्ट नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में अब तक हमारे 19th क्वेश्चंस हो चुके हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। इस वीक में लेसन हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा टिल टू सैटरडे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप अपना वर्क, जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है, इलस्ट्रेशन इन द फेयर नोटबुक में ना कर आप प्रैक्टिस नोटबुक में करें, और आपने जितने भी एक्सरसाइज रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आप फेयर नोटबुक में करें। डे बाय डे अपना वर्क करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कशन करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं आप, तो प्लीज अपनी प्रॉब्लम को, और कल हम केवल स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग डे ही रखेंगे। कल किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ऑफ दिस लेसन, आइदर कोई भी लेसन के रिगार्डिंग में, पहले भी हमने एक दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग डे रखा था, कल का आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग डे है। किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ऑफ द एनी लेसन, किसी भी लेसन के रिगार्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज वो कल डिस्कस कर सकता है। नहीं तो लेसन नंबर 91 से लेकर जो आज, आई होप सो दैट हम 24 से 25 जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनके रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कशन कर सकता है प्लीज। ओके, तो चलिए आज हम लेके चल रहे हैं पार्ट नंबर 9 में स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। देखिए सबसे पहले गुड्स क्या है, गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं, गुड्स का मतलब होता है डे स्टूडेंट जिनको खरीद कर बेचा जा रहा है। एक बिजनेस में जो भी ट्रेड करता है, अपना व्यापार करता है, तो डे स्टूडेंट वो वस्तुएं खरीदता और बेचता है। फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर लगा लीजिए, आप कोई भी एक बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मान लेते हैं जैसे दिल्ली से माल खरीद कर लेकर आए और यहाँ पर आपने बेच दिया, तो गुड्स क्या होगा, जो वस्तु के आप डीलिंग कर रहे हैं। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है, फर्नीचर का फर्नीचर बेचेगा, इलेक्ट्रिसिटी की दुकान करेगा तो इलेक्ट्रिकल का सामान गुड्स होगा। तो गुड्स का मतलब होता है जिसकी वो डील कर रहा है, जिस वस्तुओं को खरीद कर बेचता है वो गुड्स कहलाती है, जिसे हम परचेज और सेल्स बोलते हैं। तो गुड्स के रिकॉर्डिंग में कौन कौन सी एंट्री है, सबसे पहली एंट्री है नंबर 1, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड। ड्रॉइंग क्या है, देखिए ड्रॉइंग का मतलब होता है मालिक के अपने निजी प्रयोग के लिए, ओनर ने, ओनर के भी निजी खर्चे होते हैं, वो कोई भी गुड्स जो निकाल लेता है फर्म से या बिजनेस से तो उसे कहते हैं ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है, ड्रॉइंग बार बार मैं कह रहा हूँ, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। ड्रॉइंग कल भी मैंने कहा था ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग कैपिटल का रिवर्स होता है, ड्रॉइंग वर्ड बनता है ड्रोन से। ड्रोन का मतलब होता है मालिक ने अपने निजी प्रयोग के लिए कोई भी वस्तु या पैसा जो निकालता है उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। देखो आप बैंक में जाते हो, पैसा विड्रॉन करते हो, विड्रॉन माने निकालना होता है, आहरण करना होता है, तो यहाँ ड्रॉइंग का मतलब होता है मालिक के द्वारा यहाँ क्या निकाला जा रहा है, गुड्स। मालिक कपड़े की दुकान है तो कपड़ा लेकर जाएगा तो वो लिक्विड्स कहलाएगी। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अभी ड्रॉइंग्स में डेबिट बता रहा हूँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, और क्या लेके जा रहा है, माल लेके जा रहा है, तो उसे बोलते हैं परचेज अकाउंट, क्योंकि वो उसने खरीदा था आपने तो परचेज डेबिट हुआ था, अब ये मालिक लेके जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो पहली एंट्री क्लियर होगी ड्रॉइंग्स की। नंबर 2, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, आपने चैरिटी के रूप में गुड्स दे दी। देखिए चैरिटी एक खर्चा होता है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेज। देखिए यहाँ भी सेम एंट्री आई, यहाँ भी सेम है, यहाँ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ चैरिटी अकाउंट डेबिट हुआ। तो चैरिटी के रूप में कोई भी गुड्स दिया जाता है, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हम अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए फ्री सैंपल के रूप में गुड्स दे दें, तो
गुड्स दिया था आपने, अपनी एडवर्टीजमेंट बढ़ाई है, तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, आपने क्या लिखना है वर्ड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर फ्री सैंपल में अगर देता है तो आपने क्या लिखना है स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है भी। क्या फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, टू पत्ती आपके पास माल था, आपने फ्री सैंपल बांट दिए, मान ले पेन बांट दी पेन की दुकान से आपने, तो पेन की आप पब्लिसिटी कर रहे हो तो आप अपनी ऐड कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माल नुकसान हो गया किसी भी प्रकार से, लेकिन लॉस दो टाइप होते हैं, नॉर्मल लॉस एक अबनॉर्मल लॉस। मान ले तो माल जलकर राख हो गया, तो देखिए आपका माल जो गला है वो जो नुकसान हुआ है, तो एंट्री क्या करेंगे, चाहे वो चोरी होता है या नुकसान होता है, तो आप लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट एंड लॉस बाय फायर, ये अकाउंट डेबिट टू आपका माल जल जाएगा टू परसेंट। मान लेते हैं आपने इस माल का इंश्योरेंस करवा रखा है, जो माल जला है इस माल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो सुनो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी, तो जो क्लेम मिलेगा तो आप एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। जो यहाँ पर ये डेबिट होता है, देखो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट जो यहाँ पर ये डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देना, जैसे लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर हो गया। अब तुम्हें कितना पैसा मिला ये भी एक जान ले, देखो मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके, आपको कितना मिला जरूर नहीं है, क्लेम आपने माल जला 1 लाख का, 1 लाख ही मुझे इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है पूरा 1 लाख भी दे दे, हो सकता है कम भी दे, ज्यादा तो देने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो पैसा मिलेगा वो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला कौन है, टू इंश्योरेंस कंपनी, और मान ले पूरा पैसा नहीं मिला तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो नुकसान हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अभी मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक एग्जांपल छोटा सा उसमें समझाता हूँ जो आपका क्लियर करेगा। मान लेते हैं सोचो आपका 50,000 रुपए का माल जलकर राख हो गया, तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 50,000। मान लिया आपने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, सुनना ध्यान से, इंश्योरेंस नहीं करवा रखा तो सारा का सारा नुकसान होगा, ये नुकसान कौन देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब मैं सवाल को घुमाता हूँ, आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है, इंश्योरेंस करवा रखे हैं, तो देखो इंश्योरेंस करवा रखे हैं, मान ले हमने 50,000 का इंश्योरेंस करवाया था, 50,000 का इंश्योरेंस, तो दूसरी एंट्री में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी हम चाहेंगे कि हमें पूरा का पूरा पैसा मिले, आप चाहोगे 50,000 का 50,000 मिले ना, तो दूसरी एंट्री ये कर दी, मान ले 50,000 में आपको 40,000 रुपए ही मिला करें, तो तीसरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40। अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट नुकसान कितना, 10,000 का, और टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से 50,000 चाहते थे, इंश्योरेंस कंपनी दिया केवल 40, और 10,000 का हमें नुकसान होगा। आई होप सो दैट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीटेशन में मैं डालता हूँ, ध्यान से देखना, फिर जनरल के एंट्री में भी आगे क्वेश्चन में आएगा जो और अच्छी तरह से आपको क्लैरिफाइड करेंगे। कंसेप्ट लगभग खत्म हो चुके हैं, यही लास्ट कंसेप्ट था जर्नल एंट्री का, उसके बाद क्वेश्चंस हैं और आगे 30 तक क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक सवाल करवा रहा हूँ, बीच में अगर कोई क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ तो मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आप करके देखे, कोई एंट्री अगर मिलती जुलती उसी क्वेश्चन तो मैं छोड़ रहा हूँ, आप करें अपने प्रैक्टिस नोटबुक में, और नहीं आता है तो आप समझे तो देखिए क्या है, 50,000 का माल जलकर राख हो गया, इंश्योरेंस करवा रखा था 40,000 रुपए क्लेम, तो
सबसे पहले तो माल कितना गया, लॉस बाय फायर नुकसान हुआ, माल जल का पता है, तू बच्चे जगह। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम 50 का 50 आएंगे, ये पूरा पैसा मिला है, इस चीज का बहुत बड़ी फायदा। लेकिन मिला कितना, सवाल में 40,000 रुपये मिला, मैंने माना है एक सवाल में, वैसे 40 मिला 30 मिला 50 का 50 मिला तो फिर लॉस होगा नहीं, सारा का सारा पैसे लिख लेंगे। तो 40 मिला जो मिला वो बैंक में, जो नुकसान हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्लेम अगर 50 का तो 50 ही मिलेगा, 50 से ज्यादा नहीं मिलेगा। कोई सोच रहा है 50 के 60 मिल जाए, ऐसा होता है क्या? 50,000 का इंश्योरेंस करवाए, कंपनी 60,000 देती है आपको, ऐसा नहीं होगा। 50,000 के 50,000 या उससे कम मिल सकते हैं, ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, तो चलिए अब हम एक इलस्ट्रेशन लेकर इसको क्लैरिफाई करेंगे। 4 मैंने एंट्री बताई, 4 में क्लियर ये हुआ, चारों में ही परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्योंकि क्रेडिट क्यों हुआ, माल जल गया, माल फ्री दे दिया, माल चैरिटी में दिया, माल मालिक लेके गया, माल किसी प्रकार फ्री सैंपल में बांटा। तो दीज आर द 4 केसेस, इन एवरी केस क्रेडिट में आपने परचेज को किया है, इज दैट क्लियर? चलो अब हम जनरल एंट्री लेके चल रहे हैं, लेते हैं इलेक्शन नंबर 20। जनरल का फॉर्मेट स्टूडेंट्स, ये जनरल है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, बार बार मैं इसीलिए हम्बल रिक्वेस्ट करता था कि स्टूडेंट से प्लीज ज्वाइन योर ऑनलाइन लाइव क्लास भी रेगुलरली, जिसमें कोई बात नहीं, अब भी प्लीज। और आगे स्थिति बहुत बदल रही है, देखिए सीबीएसई अब ये नहीं है, सर्कुलर आपके पास नए नए आने लग रहे हैं, तो इसलिए प्लीज टेक सीरियसली, ये अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, एक एक ऑनलाइन लाइव क्लास लेना इंपॉर्टेंट हो गया। आपके जो पेपर हो रहे हैं उनके मार्क्स, इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क वगैरह वगैरह, यूनिट टेस्ट, जो भी आपके टेस्ट ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होते हैं, अगर मान स्कूल खुल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, उसके आधार पर आपके मार्क्स डिटरमाइन होंगे, इसलिए प्लीज टेक सीरियसली। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इधर से नंबर 20, जनरल का फॉर्मेट 5 कॉलम्स बनते हैं, ये कॉलम्स बना दिए, किसकी बुक है नाम मत लिख देना, इधर छोड़ देना, यहाँ हमें डेट लिखना है कितनी तारीख को लेन देन हुआ, ये है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स का मतलब विवरण है, यहाँ एल एफ लेजर कोई प्रश्न का, ये अमाउंट इन रुपीज, ये साइड डेबिट, अमाउंट इन रुपीज, ये साइड आपकी क्रेडिट, दो साइड होंगी, जैसे दिन रात होते हैं, सुख दुख होते हैं, वैसे ही डेबिट क्रेडिट दो वर्ड होते हैं, एक लेने वाले होता है तो एक देने वाला होता है, तो इसलिए डेबिट क्रेडिट वर्ड से ही हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, इधर क्लियर? तो डेबिट क्रेडिट को हम बेसमेंट मान के हम चलाते हैं, 5 कॉलम्स हमारे बनते हैं। तो एंट्री नंबर फर्स्ट, प्रोप राइटर विड्रॉ फॉर द पर्सन यूज 20,000 एंड गुड्स 10,000, मालिक ने 20,000 रुपए नगद पैसे निकाले और 10,000 रुपए का माल निकाला था। एंट्री में देखो सीधी सी बात बताई थी मैंने अभी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, अब उसने क्या निकाला, नगद निकाले टू कैश अकाउंट और माल निकाला तो टू परचेज अकाउंट, कितना कितना निकाला उसने, 30,000 रुपए विड्रॉ किए, 20,000 रुपए का माल पैसे निकाले, 10,000 रुपए का माल निकाला। यहाँ एक नरेशन लिखी जाती है, नरेशन सीधा अबर्वेशन है, जो आपने अभी क्या कैश और गुड्स टेकन बाय द पर्सनल यूज, कुछ नहीं है, जो आपकी गैर की ट्रांजेक्शन उसी को छोटा करके लिख देते हैं, आपने कैश निकाला, आपने गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर, मालिक ने निकाले भाई, वही चीज तो लिखनी होती है, उसे अबर्वेशन कहते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं फॉर द पर्सनल यूज। नेक्स्ट, गुड्स 50,000 वर गिवन आउट द चैरिटी, सेल प्राइस 60,000 है, बाय सेलिंग प्राइस से उसका कुछ भी हो, हमने माल कितने का दिया है वो लिखेंगे, चाहे वो 70 के है, वो 40 का, कितना भी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, माल कितने का खरीदा था वो अमाउंट लिखेंगे, हमने सेल से मतलब नहीं है, 50,000 का माल पर 50,000 दे देते हैं, वो 40 में बिके हैं, वो 60 में, सेलिंग प्राइस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गुड्स गिवन अवे बाय चैरिटी, इसमें ब्रैकेट में लिख दे,
नेक्स्ट थर्ड है 25,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब फ्री सैंपल बांटे तो आप यहाँ लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना फ्री सैंपल में बांट दे भी 25,000। जैसे आपके नोटबुक कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ एक बार लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड 50, 25, 75, 30, 1,05,000 और 1,05,000। ये स्टूडेंट यही कैरी फॉरवर्ड आगे जाके ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाता है। आपके नोटबुक कंप्लीट हो तब आगे ले जाना है, नहीं है ये नहीं है मेरे बोर्ड में यहाँ कंप्लीट होगा तब मैं लेके जा रहा हूँ। तो कैरी फॉरवर्ड का क्या बनाते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। आपने यहां लिखना है ब्रॉड फॉरवर्ड, वैसे ही कॉलम्स 1,05,000 और 1,05,000 दोनों साइड का जोड़ बराबर बराबर होगा इसमें। नंबर 4 फोर्थ पॉइंट क्या है, 50,000 रुपए और कैश 20,000 स्टोलन बाई एन एम्प्लाइज। देखे एक एम्प्लाइज था, उसने 50,000 रुपए तो माल और 20,000 रुपए कैश स्टोलन चोरी कर लिया, तो आपको नुकसान हो रहा है। एंट्री है लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट, उसने रुपए कितने चुराए वो कैश अकाउंट में लिख देंगे, गुड्स कितनी वो गुड्स में लिख देंगे। उसने कितने का माल, 50,000 का माल 20,000 रुपए, तो भाई 20,000 कैश दिया, 50,000 का माल दिया 70,000 का, चाहे इसको ऊपर लिख लो नीचे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैरी गुड्स आगे था, आप गुड्स यहाँ लिख दो तो कैश है तो क्रेडिट में दोनों, तो 20,000 रुपए नगद निकाले, 50,000 रुपए का माल, टोटल नुकसान कितना हुआ हमें 70,000, तो 70,000 रुपए का नुकसान हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ, 1,00,000 रुपए का माल जल गया। भाई जला है माल तो लॉस बाई फायर हो गया, तो पहली एंट्री होगी लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने का माल जल गया 1,00,000 का। अगर आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो यह एंट्री खत्म यहां पे। कहता है इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिटेड किया कितना 60%। तो देखिए अगली एंट्री करेंगे हमें 1,00,000 का 1,00,000 मिलना चाहिए। भाई हम तो ये कहेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमें पूरा पैसा दे, किस चीज का लॉस बाई फायर का, क्योंकि बीमा तो हमने 1,00,000 का ही करवा रखा है, लेकिन कंपनी ने क्या किया केवल 60% ही पैसा दिया। तो 1,00,000 का 60% कितना होता है, हमें डियर स्टूडेंट 60,000 ही मिला। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, हम चाहते हैं 1,00,000 रुपए मिले, कंपनी ने रुपया 60% दिया 60,000, तो नुकसान कितना होगा 40,000। लेकिन यहाँ आके इसको जोड़ दिया, दोनों साइड का जोड़ बराबर बराबर, तो हमारा जोड़ जो आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है 4,75,000, 4,75,000, 4,75,000। तो ये था सवाल। देखे सवाल कोई मुश्किल नहीं है, आप डे बाय डे अपना वर्क कीजिए, कोई भी एंट्री, और ये लेसन बार बार आपसे बोला जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, जनरली द बेस। आगे आने वाले लेसन में जनरल एक बेस है, एक आधार है, क्योंकि जनरल में जितनी भी एंट्री हो रही है डियर स्टूडेंट्स, वो एक लेसन आया था डबल एंट्री सिस्टम का। जो भी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे जितने भी अकाउंट होते हैं उनका बेस होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इन तीन रूल्स पे ही पूरी जनरल की एंट्री टिकी हुई है, जिसको पहले क्वेश्चनों में विद एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक एंट्री को उसमें समझाते हुए करवाया था, एक एक पॉइंट को डिस्कशन किया था, आखिर क्यों डेबिट में कर रहे हैं क्यों क्रेडिट में कर रहे हैं। आपकी बुक में बकायदा एक्सप्लेनेशन दे रखा है सारी चीज का, पहले दो क्वेश्चन का फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे रखा है जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट
लेसन नंबर 21। देखिए 21 राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। पांच कॉलम्स पढ़ने हैं। कोई भी जर्नल एंट्री करते समय प्लीज आप अपने नोटबुक में जर्नल के फॉर्मेट में ही आपने करना। जर्नल इन द बुक्स हो, इसका नाम है साहिल एंड ब्रदर्स है, राम एंड सन्स है, कोई भी नाम उसमें दिया तो लिख देना, आगे छोड़ देना। पांच कॉलम में सबसे पहले यहाँ डेट, जिस तारीख को लेन देन हुआ। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण जो एंट्री आप करेंगे। LF, लेजर बोर्ड के लिए प्रश्न क्या होती है, ब्लैंक पड़ा रहता है, खाली कुछ नहीं लिखा क्योंकि हमें संख्या दी नहीं होगी, छोड़ देंगे। ये साइड अमाउंट इन रुपीज, ये डेबिट साइड है, दो साइड है, एक डेबिट एक क्रेडिट। यहाँ भी अमाउंट इन रुपीज, ये क्रेडिट साइड, ये फॉर्मेट है जनरल का। अब बारी बारी से डेट की बने तो ठीक है, वरना एक दो तीन चार पांच ए लिख दो, डेट है तो डेट लिख दो, संख्या है तो संख्या डिजिट पे लिख दो, 1 2 3 4 5। ए में क्या है, 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेट्स। देखिए रोहित से 10,000 मिलने थे, अब वो पैसा डूब गया। उस दिन मैंने बताया था जो पैसा डूब जाता है वो हमारे लिए नुकसान है, फायदा नहीं है। भाई हम किसी से पैसे मांगते और वो पैसा हमारा डूब जाता है तो फायदा होगा नुकसान होगा? भाई ये तो एक सीधी सी बात है, किसी से पैसे मांग रहे हो नहीं देगा तो आपको नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो डे स्टूडेंट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होगा, और देने वाला कौन था, रोहित। तो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, क्योंकि रोहित एक पर्सनल अकाउंट है और उसका रूल है सीधा सा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट तक की, वो देने वाला तो रोहित ही था लेकिन पैसे नहीं दिए, नहीं दिए हमें नुकसान होगा। बैड डेट्स एक नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंसिस एंड लॉसेस। कितना रुपए मांगते थे, 10,000, 10,000 रुपये हमारा डूब गया, ठीक है। नरेशन में बार बार कह रहा हूँ, आप जो जनरल एंट्री के अंदर ट्रांजेक्शन है उसी को आप लिख देते हैं, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रोहित राइट ऑफ एज बैड डेट्स। बी, 20,000 रुपए यूज बाय द प्रोप्राइटर, फिर वही आगे मालिक ने 20,000 रुपए यूज करे। अब 20,000 रुपए की जगह गुड्स हैं, तो गुड्स हैं तो पर्चे लिख देंगे और पैसे निकाल दो कैश। तो बी के अंदर क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का माल यूज किया भाई मालिक ने, 20,000। अब देखो आपकी बुक के अंदर जिसके पास बुक है स्टूडेंट्स, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पे खत्म होगा कैरी फॉरवर्ड और उसको बढ़ाते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, दिख रहा होगा आपको कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। ये तब होता है जब आपकी डेस्टिनेशन वहां पर खत्म होकर नेक्स्ट पेज पर चला जाता है, जिसे बोर्ड में यहाँ दोबारा लेके आता हूँ। आपकी नोटबुक में अगर नहीं होता तो आपको ये वर्ड यूज ही नहीं करने। ओके नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 10% फॉर 2 months ऑफ द मशीन कॉस्टिंग 3 लाख। देखो 3 लाख का 10% 30,000 होता है, नोट करना, 3 लाख की मशीन थी, 10% डेप्रिसिएशन है तो 30,000 होगा। अब ये साल का 30,000 है वो 2 महीने का बता रहा है, तो इंटू 2/12 साल में 12 महीने होते हैं, 2 6 12 6 5 3, तो डिस्टेंस क्यों 5,000 की एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होगी, कल बताई थी मैंने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, भाई नुकसान है और किसी से मशीन का नाम ठीक नहीं, एसेट लिख देंगे, किसने लिख रखे भाई मशीन अकाउंट, आपके पास मशीन, मशीन क्योंकि आपकी एसेट है, और कितना 5,000, 5,000 आपने नोटबुक में रिमूव नहीं करना है।
देना है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है डी केस। डी में दे रखे है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 6% 9 महीना। 1,50,000 का 6% मतलब 100 होता है, 9,000 होगा इंटू 9 मंथ्स, 3 के 9 312 ठीक है। 1,00,000 का क्या बता रखे भाई, 1,50,000 का 6%, 2,015 सेकंड 90,000, 1,50,00,000 15,000, 1,50,000 की वैल्यू है, सॉरी 1,50,000 नहीं 15,00,000, 1,50,000 का 6 तो 9,000 होता है, 15,00,000 का 6%, 2,0 से 2,0 कैंसिल हो गई, 15,690 और 3,090,000 ये साल भर का हो गया। और कहता है 9 महीने का, तो 9/12 3 के 9 3 12 4 2 8 1 4 2 22,500, 3 से मल्टीप्लाई 67,500 इसकी एंट्री होगी, ना कि 15,00,000 की ना कि 90,000 की। ब्याज बनता कितना 67,500। कल मैंने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्राइंग डेबिट होता है। कल ये बात बताई थी मैंने शुरुआत में भी, अभी सवाल से शुरू किया था, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में दिया जाता है, एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना बनता है। राहुल जिससे 20,000 रुपए मांगते थे बीकॉम इनसे, एक एक वर्ड होता है सॉल्वेंट एक इनसॉल्वेंट, ये बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी में आया था। इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं, 2,000 नोट सॉल्वेंट इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, दिवालिया का मतलब होता है वो अपने डेट देने में असक्षम है, पैसे नहीं दे सकता। 20,000 मांगते थे दिवालिया होगा, कहते हैं उससे केवल रुपए में से 60 पैसे मिले। स्टूडेंट जब रुपए में 60 पैसे मिलते हैं तो कितने परसेंट, इसको आप 60% भी बोल सकते हैं। देखो 100 पैसे में 60 पैसा मिला, तो हम कह सकते हैं 100% में 60% मिला इसमें। कैसे निकाले, 60/100 × 100 100 से 100 करेगा, 60% नहीं होगा, सोशल क्लास में बात करते थे। अब 60% मिला तो आप रुपए कितने मांग रहे थे उससे, हम मांग रहे थे 20,000, तो 20,000 का 60% मिला तो हमें 12,000 मिला, तो डूब कितना गया हमारा 8,000 रुपये, तुम टोटल तो 20,000 की मांग रहे थे, तो एंट्री क्या होगी। हमें रुपया मिला कितना वो लिखेंगे भाई, हमें मिला बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन कैंडिडेट था भाई, राहुल, उसने 12,000 दिए, 8,000 हमारे डूब गए और टोटल रुपए मांग बैंक पर यूज किया, कई बार कैश क्यों नहीं लिखा, मैंने बताया था कैश बराबर बैंक, बैंक की एंट्री में हमें चेक मिला है और चेक में बैंक वाले भी करेंगे, कैश देता नगद तो कैश करते। लास्ट है गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन 1,00,000, तो भाई 80,000 का माल 1,00,000 में बेचा, तो हमें 80,000 मतलब 1,00,000 से बेचा, तो 1,20,000 का हमने प्रॉफिट कमाया। तो देखिए लेने वाला कौन है, लेने वाला मोहन है, मोहन के अकाउंट में लिखते डेबिट और टू सेल अकाउंट है, भाई हमने बेचा कितने का वो एंट्री करेंगे 1,00,000 का, आप ये नहीं 80,000 रुपए का, खरीदा हमने 80 का था, बेचा 1,00,000 का था, हमारे जेब में तो 1,00,000 है ना, 80 जब खरीदा था जब एंट्री की होगी तो अब सेल की एंट्री, फिर हमने इसका टोटल कर देना है, टोटल दोनों साइड का बार बार कह रहा हूँ बराबर आएगा 2,22,500, 2,22,500। तो थर्ड कीजिए स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको करवाए हैं, आपने चाहे कम कर लीजिए, मैं बारी बारी कह रहा हूं, दो इलस्ट्रेशन मैंने करवाए हैं, लेकिन आपने टिल टू 22 तक एक 22 इलस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं। आप चलिए अपने होमवर्क की तरफ,
आपने होमवर्क में दे स्टूडेंट्स 20, 21 और 22 से रजिस्ट्रेशन करना है, कल की इंडक्शन नंबर 22, 22 2 महीने का, एक आपने करना है प्रैक्टिस नोट, और ऐसे ही एक्सरसाइज का 20 से 22 तक प्रैक्टिकल जो है क्वेश्चन उनको क्लियर नोट होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का होमवर्क, अब चलिए अपने डाउट सेशन में। कल मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, कल केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग डे है, कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनी लेसन एक से लेकर आज तक जितने भी करवाए हैं 22 क्वेश्चन तक, किसी भी स्टूडेंट से कोई भी प्रॉब्लम है कल वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने डाउट सेशन, प्लीज ऑनलाइन लाइव क्लास बी रेगुलर, और डाउट सेशन में हर स्टूडेंट इसकी प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज वो क्विट ना करें और सुने दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम। स्टूडेंट 6, 7, 8 इससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं, सो सैड, जबकि कॉल पे कॉल मैं कर रहा हूँ। कल भी मेरी बात हुई थी कई स्टूडेंटों से जिन्होंने कहा था सर हम जरूर ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, लेकिन 8 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज सो सैड। कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ आने वाले जो नंबर लगेंगे आपके चाहे इंटरनल में जो आगे रिजल्ट होगा उसके अंदर ऑनलाइन लाइव क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के मार्क्स हम भेजेंगे, चाहे क्विट कर लो। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है साथ के साथ आप क्विट कर जाइए, मार्क्स तो लगने हमारे माध्यम से है, चाहे स्कूल खुले ना खुले, लेकिन वेट एंड वॉच वो आप डिपेंड करेगा कि आप कितने ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं कितना नहीं ले रहे हैं। हाँ जी बोलिए यासिका। सर इलस्ट्रेशन 20 का 5th पॉइंट। हाँ जी 20 का 5th पॉइंट देखिए प्लीज। देखो इसमें क्या बोल रखे, सुनो ध्यान से, गुड्स 1 लाख रुपए का माल जल गया, पर जल गया तो नुकसान हो गया, तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर टू परचेज, आपका माल था जल गया ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना रुपए दिया 60%, 1 लाख का 60% 60,000 ही तो मिला, 40,000 तो आपका नुकसान हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे भी कंपनी सारा पैसा दे, तो हम एंट्री करते हैं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब मिला कितना हमें, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, P&L अकाउंट डेबिट 40,000 और 2 इंश्योरेंस कंपनी। इज दैट क्लियर? यस सर। और सर इलस्ट्रेशन 21 का ई पॉइंट कौन सा? ई पॉइंट ई के अंदर कहता है 20,000 रुपए हम राहुल से मांग देते हैं, माली से एक भी पैसा नहीं मिलता तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल लिख देते हैं, लेकिन इसने कहा है कि रुपए में से 60 पैसे मिले, भाई रुपए में 60 पैसे मिले तो 60% पैसा तो मिलेगा आपका, तो 20,000 का 60% 12,000 होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, बैड डेट्स 8,000 डूब गए नहीं मिलने अब, और देने वाला राहुल था। यस सर। पलक सर इलस्ट्रेशन 21 का सी पॉइंट, 21 का सी पॉइंट है डेप्रिसिएशन 3 लाख का 10%, 30,000 होता है साल भर का, पर एनम दे रखा है लेकिन 2 महीने का 10,000 × 2/12, तो 3 लाख का 30,000 × 2/12 करेंगे 2×6 = 12, 5,000 हो गया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 5,000 रुपए। यस सर। और बोलिए इलस्ट्रेशन 20 सर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया? इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी ना, डेबिट द गिवर, देने वाली तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा कौन देगा? भाई इंश्योरेंस कंपनी से हमने 2 की एंट्री, पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी ही देगी और कौन देगा? ये ड्यू की एंट्री है जो हमें नुकसान हो उसको क्लेम की भरपाई कौन देगा? भाई इंश्योरेंस कंपनी तो देगी। यस सर। इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को पहले भी ये पैसा हमारा दे दो, अब दिया नहीं है अभी फिलहाल,
1 लाख का इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी से भाई इतना पैसा लॉस होगा भी दो। अब उसने क्या देखकर उसने 1 लाख के बदले में 60% दिया, तो दूसरे एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट मिला 60,000, नुकसान होगा 40,000 का और टू इंश्योरेंस कंपनी। और बोलिए। नो सर। विपिन शर्मा, विपिन शर्मा माइक ऑन कीजिए। अंकुश, अंकुश सर नहीं है डाउट। हिमांशु, नो सर। वंशिका, एलिमिनेशन फिफ्थ एंट्री 21 का, 20 का, सर 21 ट्वेंटी पांचवी है, अभी बताया था, अभी सुना नहीं इसका मतलब, अभी पलक ने पूछा था, ये ध्यान से सुना करो। 1 लाख रुपए का माल जल गया तो लॉस बाय फायर टू परचेज 1 लाख। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला 60%, तो बैंक अकाउंट है, पहले उसके ड्यू की एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। अब बैंक में कितना रुपया मिला हमें ये नोटिस करना है, 60,000 मिला तो नुकसान कितना होगा 40,000 का, तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस। अब जो नुकसान हुआ प्रॉफिट एंड लॉस देगा टू इंश्योरेंस कंपनी। ओके, काजल यस सर। काजल, राजीव, राजीव सुन रहा मेरी आवाज? राजीव माइक ऑन कीजिए। राजीव काजल, सर हाँ बोलिए। हाँ सर इलस्ट्रेशन 20 का सेकंड सेकंड, देखो यस सर 50,000 रुपए का माल चैरिटी में दे दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, सर 60,000 में लिखेंगे 50,000 का माल। ठीक ठीक है, ओके सर। पानी भी हर्ष, काम कर पा हर्ष, राजीव सर नो, कोई डाउट नहीं है सर। सर हर्ष बोल रहे थे आप? राजीव हर्ष बोल रहा यस सर, है? मैं हर्ष बोल रहा यस सर। ओके ओके। और कोई स्टूडेंट भाई जिसकी कोई प्रॉब्लम है प्लीज टेक सीरियसली, मैं बार बार कह रहा हूं, जो ऑनलाइन लाइव क्लास में आ रहा है वही प्रेजेंट में मानूंगा, जो कैंडिडेट नहीं आ रहा है मैं कॉल पे कॉल डाल रहा हूं फिर भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। आने वाले समय में जो मार्क्स लगेंगे ना वो आपके इस पे डिपेंडेबल करेंगे, अब ये ध्यान रखना जो आगे मार्क्स लगेंगे इसे आप जो सीरियस नहीं ले रहे उसका खामियाजा उसको खुद भुगतना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, किसी की और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा माइक ऑन कर कर, और कल मैंने बोला यस है। सर, हाँ राजीव बोलो। यस सर, कल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रख रहे हैं, कोई भी इलेक्शन के रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो माइक कल डिस्कशन करेंगे। ओके, और कोई स्टूडेंट जिसकी मेरे से बात ना हो पाई हो? विपिन शर्मा, विपिन शर्मा की आईडी पे कौन है ये? विपिन शर्मा की आईडी पे कुमकुम है क्या?
हेलो, माइक ऑन कीजिए प्लीज। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? चलो भाई, किसी स्टूडेंट के अभी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।